हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले हैं SVS वेंचर्स शेयर के बारे में। आज जो है हम इसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो इसका इस शेयर के बारे में आज हम वीडियो क्यों बना रहे थे, उससे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते। तो इस शेयर का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये एक रीज़न है जो प्राइस चल रहा है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका टारगेट क्या बन सकता है, सपोर्ट क्या बन सकता है, पूरी तरह से आज हम इसके बारे में जानने वाले। तो अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी जाते हैं, तो हमें इसमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। ROC ROE इसमें पॉजिटिव में जा रहा है। अगर हम बात करें तो पेनी शेयर है, कंस्ट्रक्शन का इनका बिजनेस है, तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है कंपनी। अगर बात करें तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 2015 में ये जो लॉन्च हुई थी, अगर हम बात करें तो 2015 से इनकॉर्पोरेट है। अगर हम बात कर लेते ROC जो है 0.24 0.39 का ROC और ROE जो है वो 0.24 का है। तो ROC ROE दोनों ही यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, जीरो में है, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है, ज़्यादा बुरे नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन बुक वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, लगभग 1 रुपीज़ के आसपास बुक वैल्यू से कम प्राइस पे अभी ये मिल रहा है। और अगर हम बात करें तो 30 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पी 387 का है, स्टॉक पी इसका आगे जा चुका है। तो इसके अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका अपना कर्जा रिड्यूस किया है। ओवरऑल बात यही है कि कंपनी के फंडामेंटल जो है वो एवरेज में चल रहे, ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, जो भी है एक लिमिटेड प्राइस में ये अभी ट्रेड कर रहा है फंडामेंटल्स के हिसाब से। आ जाते हैं इनके प्रॉफिट्स पे, प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ आपको। तो कंपनी के प्रॉफिट जो है वो 0.09 करोड़, उससे पहले कंपनी ने लॉस किया था। तो इस पल का प्रॉफिट जो था आया था 2 मार्च में, वो अच्छा प्रॉफिट आया था, कंपनी ने प्रॉफिट किया था। उससे बाद सालन प्रॉफिट की बात करें तो 0.08 करोड़, मतलब कंपनी प्रॉफिट में लॉस नहीं कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की हम अब बात कर रहे हैं, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है, छोटी सी कंपनी है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट में स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट ईयर में 94% से इंक्रीज हुआ है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात चल रही है तो प्राइस की भी बात कर लेते हैं, हम चार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है इसका सीधे सीधे चार्ट पैटर्न। यहाँ पे इसकी प्राइस जो थी, लगभग अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो ये शेयर 6 रुपीज़ का बॉटम यहाँ पे बना चुका था। 6 रुपीज़ से इसने जो सपोर्ट लिया था, फिर उसने ब्रेक करने की कोशिश की थी 11 रुपीज़ को, फिर डाउन, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर डाउन, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, और थोड़ा सा करते करते ये निकल चुका था। तो 11 को इसको ब्रेक इसने ब्रेक किया, फिर अगला रेजिस्टेंस इसका आ रहा था 13 रुपीज़ का, तो वो भी इसने अभी ब्रेक कर लिया है। कल ही की हम बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, कैंडलस्टिक भी स्ट्रॉन्ग है, 4.46 समथिंग यहाँ पे जो इसने एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा चांस मुझे नज़र आ रहा है ब्रेकआउट के बाद। 2 ब्रेकआउट यहाँ पे लगातार शेयर ने दे दिए हैं, सपोर्ट अच्छा खासा इसने ले लिया था, बहुत टाइम से शेयर डाउन में था, अभी इसमें जो ये मोमेंटम बन रहा है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें अगले 1 महीने या फिर उससे भी कम की, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है। छोटा सा शेयर है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो जो भी पेनी शेयर्स होते हैं उसमें हमें पूरा इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना होता, पेनी शेयर्स कभी भी ऊपर या नीचे जब जाते हैं तो उसमें जो लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम ट्रेड होता है वो अलग होता है। अगर परसेंटेज के हिसाब से इसकी प्राइस को कैलकुलेट करें तो प्रॉफिट लॉस के रेशियो जो है वो अलग निकलते हैं, एज कम्पेयर टू जो कंपनीज बड़ी है उससे कंपेयर करें तो इसकी प्राइस जो है वो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अमाउंट हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट हमें अच्छा खासा आ सकता है। अगर हम बात करें तो 13 पॉइंट का यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, और अगर सपोर्ट की बात करें तो 11 का यहाँ पे सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखेगा, 2 रुपीज़ का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहता है, मार्केट जो है अभी थोड़ा सा करेक्ट होते हुए हमें दिखा है, लेकिन आगे चल के अगर मार्केट में भी फिर से एक बार बाइंग प्रेशर आता है तो यहाँ पे 23 तक जाना भी इस शेयर के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें 23 तक भी ये शेयर जा सकता है, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। 23 से पहले जो इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा वो हम बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट टारगेट लगभग 70 का यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। क्यों बनता हुआ दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे जो था एक मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस इसने लिया था। इसी के साथ अगर हम बात करें तो टेक्निकल पे ही जाते हैं, टेक्निकल से भी हम यहाँ पे जो इसका जो है टारगेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पीवट पॉइंट्स पे जब भी आते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था लगभग 13 रुपीज़ का, सेम ही यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है पीवट पे भी, और हमारा जो टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वो 90 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनेगा। और सपोर्ट की बात जैसे हमने कहा तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, तो 11 रुपीज़ का, 11 रुपीज़ का सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो 19.5 का एक टारगेट है, 70 रुपीज़ का एक टारगेट है। फर्स्ट टारगेट जो
17 सेकेंड 90 और थर्ड टारगेट जो है वो 23 रुपीज़ का सीधे सीधे यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने स्टूडेंट कोई बार का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।